तामांग अरुणाचल की प्रसिद्ध जनजाति अपातानी के मुखिया की बेटी थी। देखने में गोरी गोरी हंसती आंखों वाली तामांग के सुनहरे बालों को देखकर जनजाति के लोग उसे सूरज देवता की बेटी मानते थे। तामांग गायन नृत्य के साथ साथ हथकरघे पर वस्त्र बनाने में भी बहुत निपुण थी, इसलिए उसका पिता डोनीगर्थ अपनी इकलौती बेटी का डिंगसिल, आचो आबियो या ट्यूबो ल्योबा जैसे देव पुरुषों में से किसी एक से विवाह करके धन कमाना चाहता था। उनकी जनजाति का यही रिवाज था कि लड़के वाले लड़की के पिता को लड़की ब्याहने के लिए धन देते थे। उस दिन अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों में महिलाओं के लिए हथकरघा के वस्त्र बनाने की प्रतियोगिता हुई और उसके बाद पुरुषों के लिए तीरकमान की प्रतियोगिता हुई। हर वर्ष की तरह तामांग को प्रथम पुरस्कार मिला। इस वर्ष तो तामांग ने कमाल कर दिया था। आकाश से नीले रंग की रेशमी शॉल पर चांद, सूरज और तारे सफेद, सुनहरे, लाल और गुलाबी रंग में बुने थे। चारों तरफ नक्षत्रों की झालर बुनकर शॉल को सजाया था। विश्वास ही नहीं होता था कि यह बुनी हुई शॉल है। लगता था कि कुशल चित्रकार ने सुंदर तस्वीर बनाई हो। उधर आबूतानी नामक युवक ने तो तीरकमान के कमाल से उड़ते हुए नकली पंछी तितलियों के ऐसे निशाने साधे कि और कोई उसके आसपास भी नहीं रह पाया। प्रतियोगिता के बाद हुए नृत्य में तामांग और आबूतानी पहली बार मिले और पहली मुलाकात में ही एक दूसरे को चाहने लगे। उनको नृत्य करते देख लोग भी कह उठे, क्या सुंदर जोड़ी है। बाद में वे चुपके चुपके मिलते, क्योंकि दोनों को पता था कि तामांग के पिता किसी भी तरह दोनों के विवाह के लिए मंजूरी नहीं देंगे, इसलिए उन दोनों ने चुपके से विवाह कर लिया। एक दिन तामांग के पिता ने उसे बताया कि तीन देव पुरुष उससे विवाह करना चाहते हैं। तामांग ने बताया कि उसका विवाह हो चुका है। पिता ने कहा कि वह ऐसे विवाह को नहीं मानता, नहीं वे तीनों देव पुरुष मानेंगे, वह उनको नाराज नहीं कर सकता, इसलिए एक ही उपाय है। क्या पिताजी, तामांग ने पूछा। सबको एकत्रित करके शर्त रखेगा, जो शर्त पूरी करेगा वही तुम्हारा पति होगा। तीनों देव पुरुष और आबूतानी को बुलाया गया। पहली शर्त है कि चारों को जमीन पर इस तरह नृत्य करना या कूदना होगा कि जमीन से संगीत ध्वनि आए। शर्त सुनकर आबूतानी और तामांग परेशान हुए, पर आबूतानी की बहन ने कहा, चिंता मत करो, जहां आबूतानी को नृत्य करना था उसने वहां तालो यानी पीतल की तश्तरियां मिट्टी के नीचे दबा दी। नृत्य प्रारंभ हुआ। तीनों देव पुरुषों के नृत्य प्रारंभ हुए। तीनों देव पुरुषों के अनेक बार उछल कूद करने पर भी कोई आवाज नहीं आई। आबूतानी ने जैसे ही नृत्य प्रारंभ किया, हर पदन्यास के बाद टंटन की आवाज ने तार दिया। आबूतानी जीत गया, पर पिता और तीनों देव पुरुष नहीं माने। एक और शर्त रखी गई, तीरकमान से टंगलो यानी धातु के गोलाकार पर निशाना ऐसे साधना कि तीर वही टंगलो पर लगा रहे। इस बार भी आबूतानी की बहन ने उपाय बताया। उसने आबूतानी के तीरों की नोक पर मधुमक्खी के छत्ते से निकाली गई मोम लगाई। पहले देव पुरुष ने निशाना साधा, उसका तीर टंगलों पर जाने से पहले ही गिर गया। दूसरे देव पुरुष ने भी तीर कसा पर निशाना चुका, वह टंगलों के पास से गुजर गया। तीसरे देव पुरुष ने तीर टंगलों पर सही मारा, टन की आवाज भी हुई पर तीर नीचे गिर गया। आखिर में आबूतानी ने तीर मारा, वह सीधा टंगलों के मध्य में लगा और वहीं पर लगा रहा। यह शर्त भी आबूतानी ने जीत ली। अब आखिरी शर्त होगी, अगर वह आबूतानी जीता तो वही होगा तुम्हारा पति, तामांग के पिता और तीनों देव पुरुष बोले। यह तो बेईमानी है, हर बार आबूतानी के जीतने पर और एक शर्त कहकर मुझे और आबूतानी को जुदा करने की कोशिश करते हो, तामांग क्रोधित होकर बोली। गांव के बाकी लोगों ने तामांग का साथ दिया।
लोगों का गुस्सा देखकर तामांग का पिता और देव पुरुष बोले, अब वाकी में यह आखिरी शर्त होगी। जो कोयले के टुकड़ों तथा मिट्टी के कुल्ले को सबसे दूर फेंकेगा वही तामांग का पति होगा। तामांग ने इस बार अपनी बुद्धि से काम लिया। उसने आबूतानी के कुल्ले के अंदर शहद लगा दिया और अपनी पालतू मधुमक्खियों को कोयले के चूरे से लथपथ कर दिया। एक एक करके तीनों देव पुरुषों ने कुल्ले फेंके और बाद में कोयले के टुकड़े। अब बारी आई आबूतानी की। उसने पूरे जोर से मिट्टी का कुल्ला दूर फेंका जो तीनों के कुल्लों से अधिक दूर गिरा। फिर उसने मधुमक्खियों को मुट्ठी में पकड़कर हवा में फंका। शहद की खुशबू से कुल्ले तक पहुंची, जबकि देव पुरुषों के कोयले के टुकड़े उनके कुल्लों तक भी नहीं गए। लोगों ने आबूतानी की जय जयकार करी। कल सुबह इसी जगह तामांग का विवाह मैं आबूतानी से रचाऊंगा। सब लोग निमंत्रित हैं, तामांग के पिता ने ऐलान किया। सुबह दुल्हन के वेश में तामांग जब मैदान में पहुंची तब हैरान हो गई। आबूतानी के रूप में चार जने खड़े थे। यह भी चाल थी, पहचानो कौन है पति और उसे माला पहनाओ, तामांग के पिता ने कहा। तामांग ने थोड़ी देर आंखें मीची, फिर बोली, मैं सबसे पहले हाथ मिलाऊंगी और फिर ही माला पहनाऊंगी। बहुत खूब, तीनों देव पुरुष खुश होकर बोले। पर तामांग ने देखा असली आबूतानी चुप खड़ा था। पहले देव पुरुष से जब तामांग ने हाथ मिलाया तो उसने जोर से दबाया और आंख मारी। तामांग ने गुस्से से हाथ छुड़ाया। दूसरे देव पुरुष के पास पहुंचकर तामांग ने मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया तो वह इतना पगला गया कि बाहें पसार कर आगे बढ़ने लगा। तामांग खिसक कर निकल गई। तभी तीसरे देव पुरुष ने उतावला होकर हाथ आगे बढ़ाया और तामांग का हाथ पकड़कर जोर जोर से हिलाने लगा। बड़ी मुश्किल से तामांग ने अपना हाथ छुड़ाया। अब वह चौथे यानी असली आबूतानी के पास पहुंची। उसने आबूतानी से हाथ मिलाया। उसके परिचित स्पर्श तथा उसकी आंखों से छलकते प्यार से वह निश्चित हुई। उसे पूरा विश्वास हुआ और उसने आबूतानी को वरमाला पहनाई। तामांग के पिता और तीनों देव पुरुष शर्म से गर्दन झुकाए लोगों की झिड़कियां सुनते।